अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं साउद मनोहर। मैं आपको अपना चैनल सी एच इलेक्ट्रॉनिक्स पर वेलकम करता हूं। तो व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो डिफ्रीज़र्स के ऊपर है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंगल डोर, डबल डोर, उसमें जितने भी मॉडल्स आते हैं दुकान के लिए आप लेना चाह रहे हैं या घर के लिए लेना चाह रहे हैं, तमाम मॉडल्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, उनकी वारंटी के बारे में और उनके साइज़ के बारे में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के अंदर इनकी क्या क्या प्राइसेज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल सी एच इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत से लोग जो है वो वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो आ जाते हैं व्यूअर्स अब अपनी वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे सारे मॉडल डिस्प्ले हुए हैं। हायर का जो सबसे पहला मॉडल है वो सिंगल डोर के अंदर जो सबसे छोटा साइज कंपनी बनाती है। अगर हम इसकी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, इसका मॉडल की बात करें तो इसका जो मॉडल है वो 245 है। इसमें कंपनी अपना सिंपल मॉडल भी बनाती है और इन्वर्टर मॉडल भी बनाती है। और जो है अगर हम इसकी की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं। 100 आवर्स फ्रीजिंग रिटेंशन होती है इसकी, मनफी 28 सेंटीग्रेड तक कूलिंग करता है, 30% मोर फ्रीजिंग है, R600 रेफ्रिजरेंट इसमें कंपनी यूज़ करती है। और उसके बाद अगर हम बात करें 100% प्योर कॉपर, हायर जो है अपने डीप फ्रीज़र के अंदर 100% प्योर कॉपर ही यूज़ करता है। कंपनी जो प्रिंट करती है वो इसमें कंपनी वो लगाती भी है। इसकी वजह से हायर जो है डीप फ्रीज़र में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है पाकिस्तान में। अगर हम इस साइज़ की जो है विड्थ की बात करें तो ये जो है 2.5 फुट के अंदर होता है। इसमें यहाँ पर एक थर्मोस्टेट है और उसमें सुपर फ्रीज का ऑप्शन भी जाता है। अगर आप इसमें फ्रीज़ का ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो कंपनी जो है वो सुपर का मोड भी देती है, जो कि आपको मुकम्मल जो है बर्फ़ जमा के दे सकता है। आप इसको 2-in-1 जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये इसका जो है अंदर से। तो 10 ईयर कंपनी कंप्रेसर की वारंटी देती है और 1 ईयर जो है इसके स्पेयर पार्ट की वारंटी होती है। अगर आप इसमें सिंपल ले रहे हैं तो सिंपल के अंदर जो इसकी प्राइस है वो 70,000 है, और अगर आप इसमें इन्वर्टर लेंगे तो आपको 74,500 में, 74,500 में मिल जाएगा। इन्वर्टर के अंदर जो होगा वो कंपनी जो है वो लॉक भी साथ देती है, यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, और इन्वर्टर के ऊपर जो है इन्वर्टर लिखा होता है। और अगर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इन्वर्टर जो है वो 40 वाट लेता है आपके, और बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। अगर आप घर के लिए लेना चाह रहे हैं, फ्रीजिंग वगैरह के लिए या शॉप के लेना चाह रहे हैं, तो आप मैं आपको हाईली रिकमेंडेड जो है वो आपको इन्वर्टर ही करूँगा, कि इन्वर्टर जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी सेविंग है आपका। इसका महीने का बिल जो है वो 1200 से 1300 रुपये से ज़्यादा नहीं आने वाला अगर आप इसमें इन्वर्टर ले रहे हैं। और उसमें आपका लेस देन 1 यूनिट होता है, आपका डीप फ्रीज़र जो है 1 यूनिट भी जो है पूरे दिन में नहीं खाता। अगर आप सिंपल में लेंगे तो आपका जो डीप फ्रीज़र होता है वो 7 से 8 यूनिट इजीली कंज्यूम कर लेता है, अगर आप इसको 24 आवर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद इससे बड़ा साइज़ आता है वो है 285, जहाँ पर जो हमारे पास सामने डिस्प्ले हुआ है इन्वर्टर के अंदर डिस्प्ले हुआ है। इन्वर्टर जो है यहाँ पर लिखा होता है इन्वर्टर, और इसमें जो इन्वर्टर के अंदर कंपनी जो है वो लॉक भी साथ देती है, डोर लॉक। और बाकी इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, गारंटी और वारंटी वगैरह हर चीज़ जो है इसमें सेम रहती है। 10 ईयर कंप्रेसर है, 3 ईयर स्पेयर पार्ट है, बाकी जो भी स्पेक्स हैं वो सेम ही है जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इसमें अगर हम साइज़ की बात करें तो जो 245 है ये उसे 0.5 फुट जो है वो बड़ा होता है, वो 2.5 फुट के अंदर था, तो ये जो साइज़ है ये आपको 3 फुट के अंदर ये जो साइज़ मिलेगा आपको, ठीक है। ये अगर शॉप वगैरह के लेना चाह रहे हैं या घर के लिए तो ये साइज़ बेहतरीन है। इसका रेट का फ़र्क भी जो है वो थोड़ा सा है, ये मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। तो अगर हम इस साइज़ की जो है बात करें, प्राइस की बात करें, तो ये आपको सिंपल के अंदर 73,000 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो आपको 77 की प्राइस रेंज में जो मिल जाएगा। इससे जो कंपनी का बड़ा साइज़ होता है वो 3.5 फुट के अंदर होता है। उसमें जो है कंपनी अपने 2 मॉडल बनाती है, एक 2 डोर के अंदर बनाती है और इसमें एक कंपनी सिंगल डोर के अंदर बनाती है। तो सबसे पहले हम जो है 2 डोर की बात कर लेते हैं। ये 3.5 फुट के अंदर है और आप इसमें ये 2 डोर हमारे, ये इसमें जो है रेफ्रिजरेटर पोर्शन है और ये इसमें जो है ये फ्रीज़र पोर्शन होता है। तो इसमें कंपनी सिंपल अपना मॉडल भी बनाती है और इन्वर्टर भी बनाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इन्वर्टर डिस्प्ले हुआ, अगर आप घर के लेना चाह रहे हैं तो आप 325 इसका जो मॉडल नंबर है वो 325। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, स्पेक्स वगैरह वो वही सेम है जो मैंने आपको पहले बताए हैं, वो तमाम मॉडल्स के सेम ही रहेंगे। इसमें बस सुपर फ्रीज का ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें 2 दरवाजे हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें सिंपल में लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 79 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो ये आपको 84 की प्राइस रेंज में मार्केट में आराम से जो है वो मिल जाएगा। अगर हम इसी साइज़ के अंदर सिंगल डोर की बात करें तो हमारे पास इस तरफ डिस्प्ले हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें जो है सिंगल डोर के अंदर है,
इसकी भी जो है विड्थ जो है वो 3.5 फुट होती है, ये मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर होता है वो 345 होता है। अगर आप इसमें टू डोर ले रहे हैं तो उसका मॉडल नंबर 325 था, और अगर आप इसमें ले रहे हैं तो इसका 345 है। तो इसमें जो है कंपनी अपना इन्वर्टर मॉडल नहीं बनाती, इसमें से सिंपल मॉडल ही होता है। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 79 की प्राइस रेंज में मार्केट में आराम से जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद जो कंपनी का जो अगला मॉडल है वो है 385। ये जो इसकी जो विड्थ होती है वो 4 फुट होती है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था 325 और 345 सिंगल और टू डोर के अंदर, तो ये 3.5 फुट में था और ये जो है ये पूरा 4 फुट होता है। तो इसमें ये इसमें टू डोर के अंदर है, और इसमें कंपनी सिंगल डोर के अंदर भी बनाती है, जो कि आपको हर शॉप्स के ऊपर नज़र आ रहा होता है, तमाम शॉप्स के ऊपर वो फोर जो है ना वो 4 फुट वाला साइज़ ही होता है। इसमें भी कंपनी अपना इन्वर्टर और जो है सिंपल वाला मॉडल बनाती है। ये इसमें जो है रेफ्रिजरेटर पोर्शन है, इसकी जो रेफ्रिजरेटर पोर्शन है वो 325 से बड़ा है, और फ्रीज़र पोर्शन है ये इसमें। तो अगर आप घर में लेना चाह रहे हैं, घर के लेना चाह रहे हैं, तो फ़र्क थोड़ा सा ही है, तो आप घर के लिए जो है वो यही साइज़ लें, ये जो है वो परफेक्ट साइज़ है घर के लिए। और अगर इसकी जो है बात करें प्राइस की, तो सिंपल के अंदर अगर आप लेंगे तो आपको मार्केट में ये 86 से 87 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो 92 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इसी में अगर हम बात कर लेते हैं सिंगल डोर की, तो यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले हुआ हुआ है, ये सिंगल डोर के अंदर है, ये इन्वर्टर हमारे पास सामने यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है, तो ये 4 फुट के अंदर है। और यहाँ पे इसमें ये सुपर फ्रिज का ऑप्शन भी है, क्योंकि ये सिंगल डोर के अंदर है, सुपर फ्रिज का ऑप्शन भी है। बाकी स्पेक्स वगैरह तमाम मॉडल्स के मैंने जैसे पहले बताया वो सेम है, मैं आपको ये अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, तो ये आपको ये जो साइज़ है आपको मार्केट में आराम से वही सेम प्राइस रहेगी। इन्वर्टर के जो बगैर लेंगे तो वो आपको 88 की प्राइस रेंज में, 87 से 86 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। और अगर आप इसमें इन्वर्टर लेना चाह रहे हैं तो 92 की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो कंपनी का अगला मॉडल आता है वो इनका जो है वो 6 फुट के अंदर होती है। इसकी जो विड्थ होती है वो 6 फुट के अंदर होती है। इसके अंदर कंपनी जो है अपना पार्टीशन के अंदर भी बनाती है ये मॉडल, और इसमें विदाउट पार्टीशन, ये अंदर से एक ही होगा, उसके अंदर भी बनाती है, क्योंकि एक दरवाज़ा बनाना है कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है, इस वजह से कंपनी इसमें 2 डोर्स बनाती है लेकिन अंदर से एक ही होता है। उसका जो मॉडल नंबर होता है तो वो उसे हम कहते हैं 545। उसमें कंपनी जो है अपना इन्वर्टर मॉडल भी बनाती है, जो कि सामने डिस्प्ले हुआ हुआ है, और इसमें विदाउट इन्वर्टर मॉडल भी वो बनाती है। अगर आप कोई भी मॉडल लें, मैं आपको जैसे मैंने पहले आपको बताया, आप इन्वर्टर मॉडल ही लें, क्योंकि उसकी एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है, वो 40 वाट आपका जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। उसको आप सोलर पैनल्स वगैरह पे भी चला सकते हैं, उसके बाद UPS वगैरह पे भी उसको आप रन कर सकते हैं, क्योंकि ये शॉप के लिए लिया जाता है, तो इस वजह से आपको इन्वर्टर ही लेना चाहिए। तो अगर हम 545 की बात कर लें, तो इसमें मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये अंदर से एक ही है, ये 6 फुट के अंदर होता है, प्योर कॉपर में है। स्पेसिफिकेशन जो पहले मैंने आपको बता चुका हूँ वही सेम है, वारंटी वगैरह सेम है। तो अगर हम इसकी जो है प्राइस की बात करें, तो सिंपल के अंदर जो इसकी आपको मार्केट में 110,000 की प्राइस रेंज मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसमें इन्वर्टर मॉडल लेना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर इन्वर्टर डिस्प्ले है, तो आपको 117,000 की प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो उसके बाद जो इसका दूसरा मॉडल है वो 535 है, उसमें साइज़ यही सेम रहेगा, लेकिन उसमें सेंटर के अंदर जो है वो पार्टीशन हो जाएगी, वो घर के लिए यूज़ होता है। एक साइड आपकी जो है वो रेफ्रिजरेटर पोर्शन हो जाएगा, और एक आपका जो है वो फ्रीज़र पोर्शन हो जाएगा। उसके साइज़ के, इस साइज़ के अंदर जो 535 है उसमें कंपनी इन्वर्टर मॉडल जो है वो अपना नहीं बनाती। अगर इस साइज़ में आप जो है पार्टीशन वाला लेना चाह रहे हैं, तो उसको जो है 535 मॉडल कहते हैं। और अगर हम उसकी प्राइस की बात करें, तो आप मार्केट में आपको 1,03,000 से 1,04,000 की प्राइस रेंज में आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था तमाम मॉडल्स का रिव्यू, जिसमें हमने आपको तमाम मॉडल्स के बारे में बताया, उनकी स्पेसिफिकेशन और उनकी जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं 2023 के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल CH इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।